15 अगस्त का दिन हमें उन शहीदों की याद दिलाता है जिनके कारण हम आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उनको याद करना और उनकी शहादत को नमन करना हम सभी भारतीयों का सबसे पहला फर्ज है। इस फर्ज को निभाते हुए सांसद मनोज तिवारी के नेतृत्व में कवि सम्मेलन का आयोजन यमुना विहार ली डायमंड हॉल में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश बुलंदशहर के सांसद भोला सिंह मौजूद रहे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग मुंह पर मास्क के साथ इस कार्यक्रम में श्रोतागण विराजमान रहे। कार्यक्रम में प्रवेश से पूर्व गेट पर सभी के हाथों को सैनिटाइज किया गया। कवि सम्मेलन इतना रोमांचक था कि हर कोई तालियां बजाने को मजबूर हो गया। देखिए, स्वतंत्रता दिवस की इतनी बड़ी खुशी तो देश में हर जगह लोग मना रहे हैं। हमने दिल्ली के इस जमुना पार क्षेत्र में अपने बुलंदशहर के सांसद भोला सिंह जी के साथ और कुछ सीमित नागरिकों के साथ, पदाधिकारियों के साथ हमने ये कार्यक्रम किया जिसमें देशभक्ति और लोगों को खुशी के कवि सम्मेलन हुए। मैं समझता हूँ यही अपने आप में एक शुभकामना है स्वतंत्रता दिवस की। भोला सिंह जी बहुत विशाल हृदय के व्यक्ति हैं, हम लोग साथ में संसद में हैं और मुझे पता है बुलंदशहर का नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से यमुना पार से क्या संबंध है, तो हम कभी कभी इनके यहाँ जाते हैं। देखिए, ये खुशी का दिन है। आज हम स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और बुलंदशहर का नाता तो गौड़ा विधानसभा से आज का नहीं, बहुत पुराना नाता है। साहब सिंह चौहान जी यहाँ पर 4 बार विधायक रहे, वो बुलंदशहर की भूमि पर उन्होंने जन्म लिया और यहाँ से विधायक रहे। मेरा भी बार बार आना होता है और इस क्षेत्र में करीब 80% लोग बुलंदशहर से हैं, इसलिए वो प्यार बुलंदशहर का मुझे यहाँ मिलता है, इसलिए बार बार मेरा आने का मन करता है। मनोज तिवारी जी हमारे बड़े भाई हैं और दिल्ली का एक अच्छे अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्यभार अपना पूरा किया। ये हर व्यक्ति को चेहरे पर मुस्कान अपने मृदु भाषा से और हमेशा क्षेत्र के विकास की चिंता करते हुए कई ऐसे काम जो 70 साल में इस लोकसभा में नहीं हुए वो माननीय मनोज जी के द्वारा मैं देखता हूँ कि जब चाहे रेल मंत्री से मिलने की बात हो चाहे शहरी विकास से हो, यहाँ के क्षेत्र की हमेशा चिंता करते हुए, क्षेत्र सौभाग्यशाली है। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ देशवासियों को, क्षेत्रवासियों के, कि 74वें स्वतंत्रता दिवस पर बहुत सारी बधाइयाँ। इस बार कोरोना वैश्विक महामारी में कुछ अनूठे ढंग से ये अल्प संख्या में मनाई जा रही है, लेकिन फिर भी सबके दिलों में, सबके रगों में भारत के प्रति, अपने देश के प्रति जो प्रेम है उसको दर्शाने के लिए भी आज ये कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें 10 कवि आए और उन्होंने कूट कूट कर हम सबके अंदर देश प्रेम की कविताएं गढ़ी हैं, रची हैं और बसाने रचाने का काम किया है। मैं माननीय सांसद मनोज तिवारी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आर्य कवि सम्मेलन जो उन रखा, हमारे शहीदों को, कवियों ने जो नमन किया और उनकी यादात को ताज़ा किया, ये एक अनोखा खेल है। और ये मैं समझता हूँ कि दिल्ली में आज ये पहला ऐसा कवि सम्मेलन हुआ है कि जो 14 अगस्त को, इससे एक अच्छा संदेश गया लोगों में, पुराने पूर्वजों को, लोगों को दर्शाया कि ये देश का 74वां वर्षगांठ जो है ये ऐसे नहीं मिला, हमारे महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया है। 15 अगस्त का दिन जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैनी सब के लिए राष्ट्रीय पर्व है और इस राष्ट्रीय पर्व के ऊपर हमारे सांसद मनोज तिवारी जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, जो कवि सम्मेलन रखवाया, इससे यहाँ की जनता तो गदगद हुई हुई, बाकी हम सबको प्रेरणा मिली हम इस प्रकार के प्रोग्राम और ज़्यादा करें। जितनी विरोधी पार्टी थी एक ही बात बोलती थी, कसम राम की खाते हैं, रामलीला में आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे, ऐसा हमारा मजाक उड़ाती थी। और जब हमारा चुनाव का घोषणा पत्र निकलता था बार बार बात करती धारा 370 हटाई क्या, आज पूरी दुनिया की आंखें खुल गई, राम मंदिर की, राम जन्मभूमि का शिलान्यास हो गया और धारा 370 चुटकी में हट गई और पूरे देश में शांति रही। देखिए, बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहा और सभी नियम और कायदे का पालन करते, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों ने यहाँ पर आज इस कवि सम्मेलन का आनंद लिया। और मूल उद्देश्य मुझे लगता है इस कवि सम्मेलन का ये था कि लोग एक खामखा का जो भय है, अगर हम सुरक्षा को साथ में रखें, सुरक्षित रहें,
संयम से रहें, संयमित रहें, तो हम इस कोरोना से भी जंग जीत सकते हैं। क्योंकि अब 2-5-10 दिन की बात हो तो लोग घर में रुके हैं, अब जीवन तो जीना ही पड़ेगा। तो एक संदेश इस कार्यक्रम से ये भी जाता है, स्वतंत्रता का इस बार हमारा एक विशेष वर्ष है। चूँकि स्वतंत्रता दिवस तो हर वर्ष आता है, मगर ये वर्ष 492 साल के बाद आया है। तो मैं सराहना करता हूँ उन कवियों की जिन्होंने इस मंच के माध्यम से ना सिर्फ स्वतंत्रता को प्रणाम किया, बल्कि 5 अगस्त के उस भूमि पूजन को भी लोगों ने सराहा। सांसद मनोज तिवारी द्वारा आयोजित इस कवि सम्मेलन के लिए इलाके की जनता ने उनका आभार व्यक्त किया। कवि सम्मेलन में लोगों के मन में शहीदों की यादें ताजा कर दी। दिनेश सोलंकी, तेज निगाहें, दिल्ली।